चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। D4 News देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में लोग अपनी सेहत को लेकर सचेत नहीं हैं, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां उन्हें जकड़ रही हैं। अगर हम बात करें कि जोड़ों की दर्दों की बीमारियां, तो आजकल हर कोई व्यक्ति इससे त्रस्त है, लेकिन जॉइंट प्रिजर्व, इसे कैसे बचाया जा सकता है, नेचुरल जॉइंट को कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि उसे बदले बिना उसका इलाज कैसे संभव है, और उसके अलावा पेन क्लिनिक को लेकर हम बात करेंगे, नॉन सर्जिकल तरीके से बीमारियों का इलाज कैसे करना है। हमारे साथ अमनदीप हॉस्पिटल के दो डॉक्टर आज मौजूद हैं, एक तो हैं डॉक्टर इंदरदीप सिंह और दूसरे हैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह। इन दोनों से बात करेंगे। डॉक्टर इंदरदीप से तो बात करेंगे हम जॉइंट प्रजर्वेशन के बारे में। डॉक्टर साहब, पहले तो जॉइंट प्रजर्वेशन, पहले लोग तुहानू की लगता है, बहुत सारे पेशेंट तुम देखते हो, लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक नहीं है। जे मैं गल करा कोविड तो पहला लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे, बट कोविड तो बाद आप सारू ईवन सू भी सारू अपनी हैल्थ बारे बहुत चिंता होने लग गई है, हैल्थ बारे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये पहला भी कहता बाकी काम बाद, पहला सेहत जरूरी है। सो हैल्थ बारे लोग घट जागरूक से, बट इवेंचुअली हूँ जब असं देखते हैं कोविड तो जा कोविड के दौरान ज आ वाले एंड वाले पीरियड लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अपनी सेहत का ध्यान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो खास करके हर जना अपनी जी अपनी अजक लाइफ स्टाइल है वो एक्टिव रहना चाहते हैं, पर जो एक्टिव रहेंगे ने उदों कोई ना कोई पेन कितना कितने किसी किसी जोड़ भी हो सकती है। ज़्यादा यह पेन अपन शोल्डर्स या वेट बेयरिंग जॉइंट जिंदा हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, या एंकल जॉइंट पेन कॉमनली महसूस होंगी है, जिहड़ा पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ को हिंडर करती है। सपोजिटली कोई बंदा भजना चाहता है या रनिंग करना चाहता है किसी काम वास्ते भी, फिटनेस वास्ते भी, तो जे उन्होंने पेन हो रही है वो नहीं कर सकते। सो इस करके अपनी हैल्थ बारे ध्यान देना तो सब तो ज़्यादा जरूरी है, बट हूँ अपने विच भी यह चीज़ा वध रही ने, सारे लोग देखना चाहते हैं कि असी फिट रहीए तो हैल्दी रहीए। जी तुम जॉइंट प्रजर्वेशन की गल की, मैं चाहूँगा वो बारे थोड़ा दसना भी ये है क्या, तो यदा फायदा क्या है जॉइंट प्रजर्वेशन? भाजी ज़्यादा जिंदा एज द नेम जो नाम यदा कह रहा है जॉइंट को प्रिजर्व करना, ताकि नैचुरल जॉइंट अपना बच जाए। कई बार असी देखते हैं कि बहुत यंग पेशेंट्स आते हैं 25 साल की उम्र 30 साल की उम्र, उन्होंने जॉइंट उन्होंने लगता है कि साड़ा खराब हो गया या सानू आर्थराइटिस हो गया। सो यहोजे मरीजों के असी जॉइंट को प्रिजर्व कर सकते हैं, ता जो उन्होंने रिप्लेसमेंट की जो लोड़ पवे तो वह काफ़ी लेट जाके पवे, कह लो कि 60 साल की उम्र पर पवे, 65 साल की उम्र पर पवे, जो कि एक पेशेंट वास्ते बहुत फायदेमंद हुंदा है। वो अपनी नैचुरल लाइफ बिल्कुल वधिया जी तरीके जी सकते हैं, नैचुरल जॉइंट की सेंसेशन उन्होंने मेनटेन रहती है। सो जॉइंट प्रिजर्वेशन असी जॉइंट को प्रिजर्व करते हैं, वो कई तरीके ने, जरूरी नहीं कि सर्जरी ही करनी है, नॉन सर्जिकल तरीके भी बिना ऑपरेशन तो भी उन्होंने ट्रीट किया जा सकता है। काफ़ी टैक्नीक्स ने जिन्हें उन्होंने असी इतने यूज़ कर रहे हैं अमनदीप हॉस्पिटल के, सिमिलरली वास्ते कोई स्पैशल सर्जरीज भी होंगे हैं जिन्हों असी ऑस्टियोटमी कहने हैं, कि सर्जिकल तरीके हड्डी को कट के तो उन्होंने वापस जोड़िया जाता है, वो एक जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी होंगी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिवें आम तौर पर देखा जाता पहले क्या जिंदा भी रिप्लेस करा दौ जॉइंट, मतलब तुहाडा क्या होंदा, मतलब जिहड़े यंग आते हैं उन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट की बजाय जॉइंट को प्रिजर्व जिहड़ा करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझे हो इस चीज़ को, क्योंकि नाम ही बहुत सिंपल है जॉइंट प्रिजर्वेशन। एज आप देखिए कि जो कई जवान बंदे भी है उन्होंने भी आप देख लें कि गोडे बहुत छेती खराब हो रहे हैं, सो उन्होंने प्रिजर्व कर सकते। एक होर सवाल है भी ये जॉइंट प्रिजर्वेशन की तो गल हो गई, बट असं गल करिए भी जोड़ खराब क्यों होंगे हैं, ये रीज़न क्या है, क्या लोग लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या साडा कोई लाइफ स्टाइल बदल गया, या खान पान दी आदतें खराब हुई हैं? सारी फैक्टर ये काउंट कर रहे हैं जी, जिन्हें तुम अपने खाना पीना खराब हो गया, अपनी लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो गई है, एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, मोबाइल पर आप काफ़ी देर बैठे रहने या टीवी पर या लैपटॉप पर वर्क, अपना सीडेंटरी लाइफ स्टाइल ज़्यादा हो गया, एक्सरसाइज नहीं करते, उहदे करके जोड़ खराब हो सकता है। प्लस किसी नूं जे कोई पहला सट लगी होवे, कॉमनली असीं जे देखिए जिहड़े स्पोर्ट्समैन आ उहनां दे विच लिगामेंट इंजरी होई होण, उहदे करके जे इनस्टेबिलिटी है गोडा जे जां कोई भी जोड़ अनस्टेबल है, उहदे विच गोडे नूं खराब होण दे चांसिस छेती हो जांदे ने। सो उहनां नूं इह पेन या जोड़ खराब होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, छेती हो जांदा है, जिहनूं असीं कहिंदे पोस्ट ट्रोमैटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो इह पेशेंट साडे कोल बहुत जल्दी आ जांदे ने, कह लो 30-35 साल की उम्र च आ जांदे ने, उहनां नूं विच फिर जॉइंट प्रिजर्वेशन एक सब तो वधिया ऑप्शन है,
तो ही असं उन्होंने लिगामेंट की सर्जरी भी सेम टाइम पर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जो जॉइंट की गल करिए भी हार्ड सर्विस से जी रनिंग करते हैं लोग सड़क पर दौड़ते हैं आर्मी के लोग भी देखे हैं कई सारे प्लेयर भी देखे हैं मैं इवें तो क्या वो भी खराब करते हैं जोड़ों बिल्कुल हार्ड सर्फेस से जो कोई बंदा रनिंग कर दिया या हार्ड सर्फेस से कुछ भी जंपिंग एक्टिविटीज़ जे रैगूलर होन एक ही चीज़ में आप बार बार करी जाइए वो ओवरयूज इंजरीज होंगे ने वो नाल जड़ा एक जॉइंट रिएक्शन फोर्स या ग्राउंड तो जी रिएक्शन फोर्स आती है वो बहुत ज़्यादा आती है जिदे नाल जोड़ खराब होने चांसिस ज़्यादा होंगे ने वो देखो जो लोड आना है पहला हड्डी के थ्रू आना लट वाली हड्डी के थ्रू आके गोडे तो आता तो पहला स्ट्रैस हड्डी पर आता जिन्हें उन्होंने स्ट्रैस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं उस तो अगली स्टेज आती उन्होंने जॉइंट के भी खराबी हो सकती है सो हार्ड सर्फेस से रनिंग रिकमेंडेड नहीं होंगी इट शुड बी अवॉइडेड जिन्ना अवॉइड किया जाए उन्ना बैटर होंगे मिट्टी के सर्फेस से ही ग्राउंड ग्राउंड से हो बिल्कुल सही तुम डॉक्टर होर कुछ दसना चाहो सो मेरा तो मैसेज यही है कि इट्स बैटर टू प्रिजर्व अ नैचुरल जॉइंट कि नैचुरल जोड़ में बचाया जाए रादर कि आप यंगर एज ग्रुप के रिप्लेस कर दिता जाए देखिए इतने डॉक्टर आई डी सिंह इन्होंने साफ बताया है कि लोग आजकल अपनी सेहत को लेकर जागरूक नहीं हैं अपना ध्यान नहीं रखते हैं जिसका कारण जल्द ही जोड़ खराब होने लगे हैं लेकिन अब जोड़ों को बदलने के बजाय इनका ध्यान जो है जॉइंट को बचाया कैसे जा सके अब हमारे साथ हैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह से बात करेंगे पेन क्लिनिक यानी कि नॉन सर्जिकल तरीके से कोई भी ऑपरेशन किए बिना बीमारियों का इलाज कैसे किया जा सकता है डॉक्टर साहब थोड़ा परम जी थोड़ा दसना भी क्या थोड़ा मैसेज है तो नॉन सर्जिकल तरीके नाल किस तरह रिलीफ दिता जा सकता है आम तौर पर तो बंदा कहता जी मैनू करो तो दर्द तो ऑपरेशन करो तो दर्द तो निजात पाओ मैं बिल्कुल ठीक क्या साड़ी पुरानी एक हमेशा सोच धारा रहिंदी है कि सर्जरी ही एक सोल्यूशन हो सकता है जिवें कि डॉक्टर साहब ने भी दस्या है कि अजकल असी जिहड़े ओरिजिनल जॉइंट्स ने उन्होंने प्रिजर्व करन दी सर्जरीज कर रहे हैं उन्होंने प्रिजर्व करन वाले पासे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं सिमिलरली ऐसे बहुत सारिया ट्रीटमेंट मोडैलिटीज़ आ गई ने जिन्हां दे नाल असी जॉइंट पेनस नूं खत्म कर सकते हैं घटा सकते हैं जिहदे नाल लोगों की जिहड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो जाए मैं डॉक्टर साहब चाहूँगा तुम दसो कि ऐसी टैक्नीक्स है भी जिद नाल देखो आम तौर पर तो पहले यही धारणा है भी वह एक बार कोई जॉइंट खराब हो जाता है तो उन्होंने फिर हौली हौली वो खराब होता जाता है तो फिर अल्टीमेटली बदलवाना पैंता है बिल्कुल सो कई ट्रीटमेंट मोडैलिटीज़ असी इतने अमनदीप हॉस्पिटल यूज़ कर लगे हैं जिदे विच के PRP जिन्हों प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहिंदे आ बेसिकली इहदे विच की हुंदा कि असी मरीज़ का ब्लड लैके उहदे विचों ग्रोथ फैक्टर वाले सैल जिन्हां नूं प्लेटलेट्स कहिंदे आ वो डैमेज टिश्यूज़ दे विच इंजैक्ट कर दिंदे आ तां कि उहदे नाल एक नैचुरल हीलिंग हो जाए नैचुरल हीलिंग दे नाल पेशेंट की जिहड़ी सोज हुंदी आ जिहड़ी पेन हुंदी आ वो घट जांदी आ रिलीव हो जांदी आ इस दे नाल नाल हाइलूरोनिक एसिड एक ऐसा पदार्थ हुंदा जिहड़ा साडे गोडे दे विच कार्टिलेज बणाउंदा है अते एक शॉक एबजॉर्बर वांगू एक्ट करदा है सो असी हाइलूरोनिक एसिड लगा के भी पेशेंट की पेन रिलीव कर सकते हैं ता जो उहदी जिहड़ी बीमारी वध रही है बहुत छेती दे नाल उहनू थम पवे वो अपनी जगह पर रुके तो ज़्यादा मरीज़ नू उन्हां दी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होवे अते मरीज़ नू सर्जरी करवाउण वास्ते जेकर उहदी सर्जरी जल्दी होनी सी ते वो फ्यूचर तक टल जाए सर ये पेशेंट दे ही ब्लड तो तुसीं सैल लैंदे हो तो कितनी देर पहले पेशेंट नू आना पैंदा है तो इहदा सक्सैस रेट की है मान लो तुसीं 100 पेशेंट्स नूं जिहड़े जिहड़े लगाए हैं सैल्स कट के प्लेटलेट्स कट के वो सक्सैस रेट क्या है देखो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थैरेपी जिहड़ी हैगी है इस विच सब तो जरूरी जिहड़ी चीज़ देखने वाली है वह है पेशेंट सिलैक्शन सिलैक्शन ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है जिस दे विच जे पेशेंट असी ठीक पेशेंट जिसनों कि उहदी इंडीकेशन है जे उहनां दे विच असी लगाने हाँ तो इहदा सक्सैस रेट 85-90% तक रहिंदा है पेशेंट एक एक साल तक पेन फ्री रहिंदा है तो इहदा जिहड़ा लगान दा टाइम है इहदे विच कोई हॉस्पिटलाइजेशन की लोड़ नहीं पैंदी इहदा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुंदा बिकॉज़ ये पेशेंट का ब्लड है तो उहदे शरीर विच ही दोबारा लग जाना है एक घंटे के मरीज़ ये प्रोसीजर करवा के दोबारा अपने घर जा सकता है अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी बिल्कुल उस टाइम ही रिज्यूम कर सकता है अते बैक टू नॉर्मल हो सकता है मतलब पहले प्लेटलेट्स जिहड़ी थैरेपी तुसीं दस्सिया प्लेटलेट प्लाज्मा थैरेपी इट कैन बी हेल्पफुल इन एनी पेन यस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थैरेपी बहुत सारिया बीमारियों के कारगर है जिमें कि गोडिया का दर्द होवे मोडे का दर्द होवे जिन्हों असी टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो कहने कई किस्म के मनिस्कल टीयर्स हो जाते हैं या हील पेन दे विच बहुत इफेक्टिव है सिमिलरली मोडे दे विच जेकर कोई टीयर होवे या मोडा जाम होवे उन्हां दे विच भी असी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं होर कुछ दस्सो तुसीं दसना चाहो
मैं एक मैसेज देना चाहना है ते एक अवेयरनेस बारे गल करना चाहना है कि अपनी दर्द नू कदी छुपाना नहीं चाहिए। बहुत ये देखा जाता है साड़िया साढ़े को पेशेंट्स आते हैं जेडे कि घर ही अपना सैल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं तो जदों तक वो डॉक्टर को पहुँचते हैं उदों तक काफ़ी देर हो चुकी होंगी है तो ऑलरेडी मरीज़ को होंगे कि हुण मेरी सर्जरी ही होनी है। तो जेकर मरीज़ सही टाइम पर अपने डॉक्टर की सलाह लवे तो वह सर्जरी तो भी बच सकता है और बिना सर्जरी करवाए नॉन सर्जिकल मैथड के नाल भी अपनी दर्द तो निजात पा सकता। सैल्फ मेडिकेशन इज मोर हेल्प हार्मफुल। बिल्कुल सैल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस। देखिए डॉक्टर आई डी इंद्रदीप सिंह और डॉक्टर परमप्रीत सिंह इन दोनों ने बताया कि किस तरह यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, किस तरह जोड़ों को जो प्रिजर्व किया जाता है ताकि आपके जोड़ ज़्यादा देर तक चल सकें और किस तरह पेन क्लिनिक में मरीजों को किस तरह ट्रीटमेंट दी जा रही है कि उनकी सर्जरी ना करनी पड़े और उनका इलाज किया जा सके। इन्होंने बहुत ये जो बताया है कि प्लेटलेट्स प्लाज्मा थेरेपी है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है और सक्सेस रेट भी इसका 85-90% है। अमृतसर से डी फोर न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।